नारी नारी कहीं भी कैसा भी बोझ उठा सकती है, सीता बन अपने बच्चों को लवकुश बना सकती है, जरूरत पड़ने पे यही चूड़ियों वाले हाथ कभी भी तलवार उठा सकते हैं। आज ऐसी एक पर्सनैलिटी के साथ हम हैं अपने चैनल पे मैम रीटा जयवंत के साथ। हेलो मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आज ये जानना चाहूँगा कि अभी फ़िलहाल कैसा चल रहा है आपकी लाइफ में, या फिर क्या कैसा शेड्यूल आपका बेसिकली है? काफ़ी हैक्टिक है कैसा? आजकल तो क्योंकि पैंडेमिक है और लॉकडाउन है, तो ये टाइम हम लोग चाहते हैं कि कंस्ट्रक्टिवली यूज़ करें, इसीलिए अपनी एक्सरसाइज और ट्रेनिंग तो मैं करती ही हूँ, साथ में एक बुक का ट्रांसलेशन देख रही हूँ, और उसके अलावा मैं पढ़ती बहुत हूँ, और मेरा भरतनाट्यम का जो एजुकेशन कह लो या प्रैक्टिस कह लो और कलरिंग पार्ट है वो भी मैं सीख रही हूँ, तो चलता है। बाकी मैं थोड़े अपने क्लाइंट्स को जो गाइड करती हूँ वो चलता है। इट मीन्स कि एक बुक भी आ रही है हमारी ऑडियंस के लिए आपकी, काफ़ी बुक, तो क्या ये आपकी लाइफ से रिलेटेड है या फिर कोई और किसी और जॉनर पे है, बॉडी बिल्डिंग या फिर भरतनाट्यम, किस टाइप की बनी है? नहीं, ये तो किसी ने एक्चुअली मेरी बायोग्राफी लिखी थी और उसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो मैं कर रही हूँ, क्योंकि होपफुली इट विल बी ट्रांसलेटेड टू डिफरेंट इन डिफरेंट लैंग्वेजेस अक्रॉस द ग्लोब, तो उसके लिए बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन का वर्जन चाहिए होता है, वो ट्रांसलेशन मैं लिख रही हूँ। और उसके अलावा एक बुक मैं वैसे भी लिख रही थी जो कि अभी मैंने थोड़ी स्टैंड बाय की हुई है और वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, इसको ख़त्म करने के बाद मैं वो करूँगी, जिसमें कि बॉडी बिल्डिंग के बारे में, जनरल फिटनेस और वेलनेस के बारे में, और उसके अलावा कि हम लोग जो डिफरेंट फिटनेस की मोडालिटीज़ हैं, फिटनेस को हम किस किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ आर्ट्स, इन द फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट, तो उसको किस वे में अप्रोच कर सकते हैं ताकि बहुत होलिस्टिक और कंप्लीट डेवलपमेंट हो, तो उसके बारे में बोल सकते हैं। काफ़ी एक्साइटमेंट रहेगी हमें इस बुक के लिए, हम काफ़ी अच्छा भी इस चीज़ के लिए सोचते हैं कि आगे बढ़ेगी। बाकी मैम, जैसे एक जनरल चीज़ होती है, जैसे कि आप काफ़ी कुछ आपने हमारे देश के लिए किया, आपने जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी चीज़ें आपने जोड़ी, मैं पहले जानना चाहूँ कि इसमें आपकी पास्ट लाइफ मतलब कैसी रही है, जैसे इनिशियल डेज जो थे आपके, या फिर आपके चाइल्डहुड में तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं बॉडी बिल्डिंग करूँगी। आई थिंक स्ट्रेंथ और पावर से रिलेटेड जो मैंने जो भी देखा था वो बेसिकली एयरफोर्स के जिम होते थे जो बहुत हार्ड कोर होते थे, उनकी थोड़ी सी झलक देखी थी। मोहम्मद अली का मैंने एक बॉक्सिंग चैम्पियनशिप देखी थी 70s में, चेन्नई में आए थे वो, उस टाइम मद्रास बोलते थे, वो मैंने एक जरूर मैच देखा था, बहुत मेमोरेबल था मेरे लिए, उनका गाना लगा हुआ था और बहुत सब लोग बहुत एक्साइटेड थे। तो मैं वैसे कभी खुद नहीं सोचा था कि एज अ वुमेन, यू नो, इतने साल पहले कोई सोचता भी नहीं था बॉडी बिल्डिंग करने के लिए। मेरा बेटा जब थोड़ा बड़ा हुआ तो उसको मैं फर्स्ट टाइम जिम लेके गई थी, और क्योंकि वो एक ऑटिस्टिक चाइल्ड है और उसको मेरी हेल्प की ज़रूरत थी, तो मैं उसके साथ साथ थी, तो वहाँ उसको सिखाते सिखाते मैंने भी वेट ट्रेनिंग शुरू करी और उसके बाद इवेंचुअली मैं भी बॉडी बिल्डिंग हो गई। तो मतलब आपने अपने मतलब बच्चों के लिए आप लोग जैसे कर रहे थे एक बीइंग अ मदर, जो कि सबकी मदर करती हैं, बट आपने अपने लिए वहाँ से कोई एक चीज़ जो कि सबके लिए आज इंस्पिरेशन बनी है। जैसे अब आपने बताया एयरफोर्स, तो पास्ट लाइफ में जैसे एयरफोर्स से मतलब किस तरीके से आपका रिलेशन था, या फिर आपकी फैमिली से था? हाँ जी, मेरे फादर एयरफोर्स में थे और एजुकेशन की जो एजुकेशन ब्रांच में थे, एजुकेशन डिपार्टमेंट था उनका, जो पायलट्स की एजुकेशन होती है, इसलिए जहाँ जहाँ ये एजुकेशन रिलेटेड वर्क ज़्यादा होता था, जैसे कि बेलगाम में, सांबरा में और ताम्बरम में, मतलब चेन्नई में, वहाँ पे फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर स्कूल है, तो वहाँ पे उनकी पोस्टिंग होती थी और वहीं पर इसीलिए एयरफोर्स स्टेशन में मैं काफ़ी रही हूँ, और क्योंकि वो एजुकेशन में थे तो लाइब्रेरी से और रीडिंग से मेरा बहुत गहरा एसोसिएशन रहा है। पास्ट लाइफ से थोड़ा सा बॉडी बिल्डिंग की तरफ चलते हैं, जैसे बॉडी बिल्डिंग में इनिशियल डेज के अंदर जैसे आपको इंस्पिरेशन आपने बताया कि आपके जो मतलब चाइल्ड थे वो एक ऑटिस्टिक चाइल्ड थे, उनकी जिम जाना जब स्टार्ट हुआ वहाँ से आपकी बॉडी बिल्डिंग की जर्नी स्टार्ट हुआ, तो फर्स्ट जो आपके प्रोफेशनल कोच थे या फिर कैसे आपने एक अपना माइंड मेकअप किया कि हाँ मेरे को बॉडी बिल्डिंग की तरफ जाना, क्योंकि जो 10 साल पहले जैसे सोसाइटी की आदमी जैसे मेंटेलिटी है, लेकिन 10 साल पहले उस चीज़ को बीट करना, वो चीज़ कैसी रही थी ये जानना था। तो 2004-05 की बात है, तो 15-16 साल हो गए, और जब मैं जिम गई थी तो हमें बहुत रोकते थे लोग कि वेट ट्रेनिंग जो है वो वीमेन शुड नॉट बी डूइंग वेट ट्रेनिंग, बहुत रोकते थे, तो मुझे रोज़ इस चीज़ से जूझना पड़ता था जिम में,
तो मैं कुछ भी एक्सप्लेनेशन देती थी तो सब मेरा मजाक उड़ाते थे, साथ में बेटा भी था, थोड़ा उसको थोड़ी दिक्कत थी, बहुत नज़रों में आता था, तो सब लोग हंसी उड़ाते थे। तो मुझे उस चीज़ को एक तो प्रूव करना था कि मैं अगर उसको ऑथेंटिसिटी से बोल सकूँ तो मुझको लोग इतना अपोज नहीं करेंगे। तो पहले मैंने पढ़ना शुरू किया कि मैं क्या जवाब दूँ, क्या ये रियली ख़राब है वुमेन के लिए। तो मैंने पढ़ा कि एक्चुअली ये इतना बेनिफिशियल है कि ये ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट करता है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता है, मसल मास औरतें लूज़ करती हैं जैसे जैसे मेनोपॉज पास आता है, तो उनके लिए कितना ज़रूरी है एक्चुअली। एक्चुअली वेट ट्रेनिंग का कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं। तो मैंने इस चीज़ को पढ़ना शुरू किया और मुझे इतना इंटरेस्ट उसमें आ गया। और एक बात मैंने ये भी बहुत नोटिस करी कि मेरे अंदर एक नेचुरल एप्टीट्यूड था वेट ट्रेनिंग के लिए। जैसे हम लोग कुछ हमें कुछ अच्छा लगता है, हम उसको करना शुरू करते हैं, फिर हमें लगता है ये हम इसके लिए नहीं बने, हमें इंटरेस्ट नहीं हो रहा। लेकिन मैं पहले दिन से ही वेट्स जो उठाती थी वो उतना उठा पाती थी जितनी कोई भी नहीं उठा कर पाता था। और इवन कुछ आदमियों से भी मैं ज़्यादा उठा लेती थी। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर वो कैपेसिटी है। तो साथ साथ मैंने इसको एजुकेट भी करना शुरू किया अपने आप को और क्वालिफाई भी किया कि मैं ये कह सकूँ आई एम क्वालिफाइड, मैंने ये चीज़ यहाँ स्टडी करी है और मैं सर्टिफाइड हूँ ये बोलने के लिए कि जो मैं बोल रही हूँ वो गलत नहीं है। तो उसको मैं ऑथेंटिसिटी से बोलना चाहती थी और साथ में मेरा इंटरेस्ट भी था। छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स, जिम कॉम्पिटिशन्स में मैंने पहले पार्ट लेना शुरू किया। हर जगह मेरा जो मार्जिन होता था, जो भी सेकेंड आता था, उससे बहुत ज़्यादा होता था। तो फिर उसके बाद करते करते फिर मैंने नेशनल लेवल पर भी मिस फिटनेस जो था गोल्ड जिम का वो जीता और फिर उसके बाद बाहर जाके जीता। वैसे तो मैम जैसे जर्नी होती है उसमें कोई ना कोई पार्टनर रहता है, या तो हमारे फादर जैसे कोच या फिर इंस्पिरेशन कोई कोच मतलब होता है कहीं ना कहीं। तो फर्स्ट कोच या फिर कोई भी ऐसी इंस्पिरेशन जो आपको सबसे पहले आगे ले गई इस चीज़ के बारे में कोई बताएंगे? हाँ, बहुत अच्छे कोच थे मेरे। और क्योंकि चाहे जब सारा जिम एक तरफ मेरे खिलाफ लड़ रहा होता था कि ये क्या करती है जिम में आके, तो एक कोच थे गुरप्रीत सिंह चावला, और वो मुझे बोलते थे कि बिल्कुल पाउडर मत करो और अगर कोई जलता है तो उसको और जलाओ करो और भी ज़्यादा वेट करो, अगर आपको सब बोलते हैं मत उठाओ तो और भी ज़्यादा उठाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो मेरे साथ खड़े रहे। आई थिंक उन्होंने मुझे जो बिल्कुल बेसिक्स होती हैं वो बहुत अच्छे से सिखाई और बहुत मेरे साथ वो रहे हैं बहुत टाइम के लिए, इसीलिए आई थिंक उन्होंने मेरी फाउंडेशन बनाई है और वो कभी भूलना नहीं चाहिए। आज भी मैं उनसे बहुत क्लोज हूँ और बहुत ज़्यादा वो सोशल मीडिया पे नहीं दिखते लेकिन ही इज़ लाइक माय ब्रदर और हम लोग मिलते रहते हैं और मेरा उनसे इतना पुराना एसोसिएशन हो गया है। और जब भी मैं कुछ अच्छा करती हूँ तो वो सामने नहीं आते लेकिन वो मुझे पता है कि वो हमेशा मेरे लिए खड़े हैं और बहुत खुश होते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ आपने उनका नाम पूछा। हाँ नहीं, ऐसा होता है कि देखिए हम लोग आगे तो बढ़ जाते हैं बट पास्ट लाइफ जो याद रखता है वो रियल सोल होता है। हाँ, तो उसके लिए क्या है कि हमें अपने इनिशियल डेज वाले लोगों को हमेशा थैंकफुल करना चाहिए। तो जस्ट इसके लिए मैंने एक चीज़ पूछी। बाकी आप इनर सोल काफ़ी अच्छी, जिस तरीके से आपने बताया आपके फेस पे एक अलग ही स्माइल थी अपने पहले कोच के बारे में बात करने में, तो इस वजह से। बाकी उसके बाद और भी चीज़ें मैं जैसे जानना चाहूँगा, जैसे इसके बाद कैसे आपको उन्होंने कहीं इंस्पिरेशन दी या फिर जैसे फॉर एग्जांपल उस टाइम पे अभी जैसे डिजिटल एरा चल रहा है, हमें हर चीज़ का आंसर यूट्यूब पे या फिर किसी ब्लॉग के थ्रू कहीं ना कहीं मिल जाता है, बट उस टाइम पे जो इन्फॉर्मेशन सोर्सेज थे वो काफ़ी कम थे जिस टाइम पे 2004 या 2005 की आप बात करें, तो उस टाइम पे आपको कैसे इस चीज़ की पता चली कि हाँ ये भी एक चीज़ मैं कर सकती हूँ, मैं प्रोफेशनली भी इसको जा सकती हूँ? काफ़ी टाइम तो वो मुझे वेट ट्रेनिंग सिखाते रहे लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे जो वुमेन कैसे कम्पीट करती हैं वो उतना फेमिलियर नहीं थे। उन्होंने मुझे खुद ही बोला कि आई एम देयर बिहाइंड यू लेकिन आप बाहर से कोचिंग लो। और सबसे पहले मैं मिली थी शेरू जी से, जो शेरू अंग्रेज हैं, ही इज़ द प्रमोटर ऑफ द IFBB शोज़, और उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया। और फर्स्ट टाइम जब यहाँ जे कटलर आए थे तो बहुत सारे कम से कम 150-200 बॉयज़ थे और मैं अकेली थी जो वेट ट्रेनिंग करती थी, तो उन्होंने हमेशा मुझको आगे किया। और उन्होंने मुझे 2007 या 8 में बोला था कि मेरा ड्रीम है कि मैं देखूं कि विमेन जो हैं इंडिया में वो बॉडी बिल्डिंग करें और कम्पीट करें, और आप ज़रूर, शैनन डे हैं US में, वो मेरी फ्रेंड है, आप उनके साथ ज़रूर एसोसिएट होना।
तो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया और पुश किया, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन करने से मैं शायद थोड़ा डरती, क्योंकि स्टेज पे जाना और यहाँ पर उस तरीके से नहीं होता था जिस तरह इंटरनेशनल स्टेज पे होता था. तो उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया कि नहीं, मुझे एक बात ये कॉन्फिडेंस ज़रूर आई मेरे में कि इंटरनेशनल लेवल पे हेल्प करने के लिए मेरे पास वो है. तो उनकी वजह से मैं फिर मैंने कोचिंग जो है वो शैनन डे के साथ, मैं फ्लोरिडा गई भी थी, डेटोना बीच में वहाँ बहुत रही, और वो लोग कैसे ट्रेन करते हैं, कैसे खाना खाते हैं, कैसे मेजर कर करके अपने साथ हमेशा कैरी करते हैं, पानी भी उनका मेजर्ड होता है कि इतना पानी हमने दिन में पीना ही है, और उनको कुछ ऐसा आउट ऑफ द वे नहीं लगता. और मुझे शैनन डे की जो मतलब वर्कशॉप्स होते हैं उसमें वो बहुत मेंटर करती हैं, क्योंकि ये एक माइंड गेम है. तो वो बहुत सिखाती थी कि आप जो भी, जैसे कई लोगों को होती है कि हमारे घर में तो सब ये खा रहे हैं, हम ये कैसे खाएंगे, तो उसको मेंटली कैसे कॉन्कर करना है और अपना माइंड कैसे बनाना है, कंडीशन कैसे करना है, उसमें शी इज़ एक्सेलेंट. तो उनको देख के मेरा पहले तो माइंड ऐसा स्ट्रीमलाइन हुआ कि ये हैबिट मेरे में लाइफ लॉन्ग आ गई, तो मुझे अब कुछ मुश्किल नहीं लगता. इवन अभी भी मैं जैसे कम्पीट नहीं कर रही हूँ, जज कर रही हूँ, लेकिन मैं वही चीज़ फॉलो कर रही हूँ शेड्यूल. बस थोड़ा मेरे वर्कआउट की इंटेंसिटी कम हो गई है, थोड़े काप ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन वो जो पैटर्न है वो मेरा वही है. तो ये मेरे को अच्छे लोग मिले शुरू में जिन्होंने मेरी जो फाउंडेशन बहुत अच्छी बनाई, तो मैं बहुत लकी रही हूँ. ये चीज़ तो होती है, बॉडी बिल्डिंग और वेट लिफ्टिंग एक फिजिकल एक्टिविटी से ज़्यादा मेंटल की तरफ है, ठीक है, और जो चीज़ को कर लेता है वो चीज़ तो होती है. दूसरी चीज़ मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगा कि जैसे हम लोगों को सबको पता है कि आपने अगर बार अपने साथ पीछे अगर स्टार्ट किया है तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस भी हुए होंगे या फिर कुछ ऐसे इश्यूज हुए होंगे जिसकी वजह से कहीं पर आपको ऐसा कभी लगा हो कि नहीं अभी नहीं, कभी हो या फिर अभी नहीं करना चाहिए मुझे, ऐसा तो कभी नहीं लगा? नहीं, वो तो सबको आती है अपोजिशन, मतलब कि सोसाइटी वाले भी सोचते हैं कि ये कॉम्पिटिशन स्कूल पहले के स्टेज पर जाना इस एज में इसको क्या ज़रूरत है, और सब लोग ये बोलते थे कि ये घर में जैसे कि ये खाना अलग किस लिए खाना है, इतनी एक्सरसाइज क्यों करनी है, एक्सरसाइज करके आप पैसा कैसे कमा सकते हो, ये क्या अजीब सी चीज़ है. तो मतलब अपोजिशन तो बहुत आता था कि ये खर्चा क्यों करना है, बट मुझे पता नहीं, मेरा माइंड ही ऐसा था कि मैंने कभी बॉदर नहीं किया, बस मैं करती चली, जो मुझे करना है वो करना है, और मैं लड़ती नहीं हूँ किसी से, बस मैं करती चली जाती हूँ इसीलिए. और थोड़ा ये भी है कि मैंने अपनी जो सोशल लाइफ है, आप US में जितने भी आप IFBB प्रो एथलीट्स को देखो, कई लोग जो ओलंपिया चैम्पियनशिप करते हैं वो जाके जैसे ऑक्सीजन जिम में सबसे कट ऑफ लास्ट 1-2 months में वो सबसे कट ऑफ हो जाते हैं. तो एक आइसोलेशन में आना बहुत ज़्यादा, अगर आप फ्रेंड से मिल रहे हो, फ़ोन पर बात कर रहे हो, एक एक मिनट जो है वो मैटर करता है. मेरी लाइफ ऐसी थी क्योंकि बेटे को प्रॉब्लम थी और पेरेंट्स नहीं थे, तो जब कुछ था ही नहीं तो मैं अपने आप में थी. तो ये शायद जो चीज़ वैसे हो सकता है थोड़ी नेगेटिव लगे या डिसएडवांटेज लगे, लेकिन मेरे को उसका बेनिफिट हुआ कि मुझे मेंटली डिस्टर्ब करने वाला कोई भी नहीं था. जो भी थे वो एक्सटर्नल थे, बाहर से कोई कुछ भी कहते थे तो मेरे को वो अफेक्ट नहीं करता था, क्योंकि मैं बहुत डिटर्मेंट थी खुद ही कि मुझे जो करना है वो करना ही है, तो इसीलिए फिर मेरा हो ही गया. जो लोग कंडीशन को अपॉर्चुनिटी बदल देते हैं वही लोग बिल्कुल वही सेम कंडीशन. दूसरी चीज़ जैसे मैं भी जैसे अपने 12th में मैं बहुत ज़्यादा फिजिकल एजुकेशन में तो नहीं रहा, बट अपने 12th एंडिंग में जब मैंने फिजिकल एजुकेशन को थोड़ा पढ़ा तो उसमें कई जगह पर ऐसी चीज़ें थी कि जब प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स आते हैं वो काफ़ी सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं, और बींग अ वुमन बॉडी बिल्डर उनमें काफ़ी सारी ऐसी भी चीज़ें आती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वॉइस में चेंजेस या फिर मतलब फेसियल चेंजेस, इस तरीके के इशू आते हैं, तो क्या ये चीज़ रियल है या फिर ये एडजस्ट करने के लिए? नहीं, जरूर डेफिनेटली हर स्पोर्ट में ऐसा होता है, ये सिर्फ बॉडी बिल्डिंग नहीं है, बस बॉडी बिल्डिंग का थोड़ा ज़्यादा दिखता है. एक तो जो भी सप्लीमेंट्स हैं, एक तो डिफरेंस है बिटवीन सप्लीमेंट्स एंड स्टेरॉइड. सप्लीमेंट्स भी जो हम लेते हैं, इवन खाना भी जो हम खाते हैं, आप ज़्यादा रोटी खाओगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी, तो जो भी हम लोग खाते हैं उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी से लेना चाहिए. दूसरी बात, जो IFBB है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ बॉडी बिल्डिंग, वो जानते थे कि ये जो वुमेंस बॉडी बिल्डिंग है ये बहुत फ्रीकी है,
अगर वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेती हैं तो उनके पीरियड्स बंद हो जाते हैं, मेल फीचर एंड्रोजेनिक फीचर्स आ जाते हैं. तो उन्होंने जो अब डिविजन्स बनाई हैं, जैसे बिकिनी है, फिगर है, फिटनेस है, वेलनेस है, वुमेन की जितनी डिविजन्स हैं मेन की भी नहीं. तो जब ऐसी चीज़ें अवेलेबल हैं कि आपका जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है, जैसा आपका बॉडी भगवान ने दिया है, उसके हिसाब से आप डिविजन चूज कर सकते. तो आज की डेट में औरतों को ज़रूरत ही नहीं है उतना एक्सट्रीम में जाने. प्रॉब्लम ये है कि लोग शॉर्टकट चाहते हैं. अगर हमने फैट लूज करना है तो वो खाना भी सब चाहते हैं, ड्रिंक भी करना चाहते हैं, घूमना भी चाहते हैं, और सोचते हैं कि हम लोग बस स्टेरॉइड लेके सोएंगे तो हमारा बॉडी बन जाएगा. ऐसा नहीं होता कि आपको अपना बेसिक स्ट्रक्चर चेंज करने में भी एक दो साल लगते ही लगते हैं. ये चीज़ एक्सेप्ट करनी बहुत ज़रूरी है, और एक नॉलेजेबल वे में. जैसे आपके बॉडी में कहीं प्रोपोर्शन नहीं है तो आपने इस चीज़ को किस तरीके से चेंज करना है, कि आपके जो अगर लेग्स छोटे हैं तो आपने कौन सी रेपिटेशन, हाई रेप रेंज आपको वर्क कर रही है, लो रेपिटेशन वर्क कर रहे हैं, क्या वर्क कर रहा है, ये अपने बॉडी को भी अंडरस्टैंड करना है. अंडरस्टैंड हमें अपने खुद के बॉडी को समझना एक प्रोसेस होता है. अगर आप पूरा प्रोसेस करेंगे तो आपको वो सब लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. इसमें कोई डाउट नहीं है कि बॉडी बिल्डिंग में लोग लेते हैं, ये अगर हम बोले कि नहीं लेते तो वो भी एक झूठ ही होगा. बट हम लोग अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपनी जर्नी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती. बट ये चीज़ें डेफिनेटली इनके बहुत साइड इफेक्ट्स हैं. ऐसा कोई पॉइंट या फिर ऐसी कोई टिप जो आप अपकमिंग जो लोग आपको एज ए मेंटर जानते हैं, और काफ़ी सारे वुमेंस आज भी हमें अपने नो में भी जानता हूँ, जो लोग आपको देख के चीज़ें सीख रही हैं और आप एक इंस्पिरेशन हैं, आप उनके लिए कोई चीज़ ऐसी टिप देना चाहें या कोई ऐसी चीज़ कहना चाहें जो कि आगे उनको एक्सपीरियंस में हेल्प करेंगे अपने एक्सपीरियंस. अगर बॉडी बिल्डिंग करनी है तो इसलिए करनी चाहिए क्योंकि हम वो करना चाहते हैं. कई लोग बॉडी बिल्डिंग इसलिए करते हैं कि उनको फेम मिले या ग्लोरी मिले या अटेंशन मिले या इंस्टाग्राम फॉलोअर्स मिले. तो अगर वो उसके लिए करेंगे तो वो कभी भी उनको उसमें सेटिस्फैक्शन या हैप्पीनेस कभी नहीं मिलेगी. तो बॉडी बिल्डिंग इसलिए करनी चाहिए क्योंकि आपने मैं अगर बॉडी बिल्डिंग कर रही थी तो शायद पहले भी कर रही थी और शायद पूरी लाइफ करूँगी, चाहे मैं कम्पीट करूँ या ना करूँ. हम लोग रात को एक्सरसाइज करते हैं जब कोई भी देख नहीं रहा होता, शायद वीडियो भी नहीं बना पाते, शायद नाइट्रस पहन के भी कर लेते हैं, लेकिन हमने एक्सरसाइज करनी ही करनी है. और जब हम जिम में एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हमने वहाँ खड़े हुए चार लोगों को ये शो ऑफ नहीं करना कि हम बहुत हैवी वेट उठा रहे हैं. हमारा जो लक्ष्य है वो बड़ा स्टेज है, जब हजारों लाखों लोग हमको देखेंगे, जब हम मेडल जीतें. अगर ये चीज़ें माइंड में रख के आप कॉम्पिटिशन करोगे तो आपकी जो जर्नी होगी वो बहुत अच्छी होगी, अदरवाइज़ वो बहुत पेनफुल होगी. अब वन मोर थिंग, मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगा, जैसे कि आपके ऐसे कौन से लाइफ प्रिंसिपल हैं जिन पे आप काफ़ी फोकस की बिलीव करती हैं और जो चीज़ें आपको फोकस रहने में भी हेल्प करती हैं, कोई ऐसी चीज़ें आपकी पर्सनल लाइफ मतलब प्रिंसिपल हो? ये अपनी जो प्रायोरिटीज़ जो हैं वो हमारी बिल्कुल सही होनी चाहिए. एक अपनी हेल्थ के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, चाहे कोई काम हो या ना हो, क्योंकि अगर हमारी हेल्थ अच्छी है तो हम 70 साल के भी हो जाएंगे तो हम हर काम कर सकते हैं. और हर आदमी की अपनी कैपेसिटी है. अगर हमने कहीं भी शॉर्टकट किया या उसको ऑनेस्टी से नहीं किया तो आज नहीं तो कल उसका अंत ज़रूर आएगा. तो जो अपनी हेल्थ के ऊपर बहुत फोकस रखना चाहिए. और अभी भी जैसे कि मेरा काम पूरा या हो या ना हो, तो मैं सुबह उठ के अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज या शाम को वेट ट्रेनिंग वो मैं करती ही हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया भाड़ में गई. तो ये अपनी जो प्रायोरिटीज़ हैं कि हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी ये है, इसको फॉलो करना ही चाहिए. तो हेल्थ और फिटनेस और ईमानदारी, ये मेरी बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम लॉन्ग टर्म नहीं चल सकते. जैसे अब आप बॉडी बिल्डिंग करती हैं, भरतनाट्यम करती हैं, आप कल्ली परीक्षण करती हैं, आप ये भी पता, तो इनके साथ साथ और भी कोई चीज़ आप जैसे करती हूँ या फिर ये सारी चीज़ जिसमें आपका इंटरेस्ट है? हाँ, ये करती हूँ. और ऐसे तो खैर मैं एक तो बुक्स भी लिख रही हूँ, स्टडी भी करती हूँ, अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको भी मैं मेंटर करती हूँ जैसे किसी को ज़रूरत होती है. खासकर मेरे पास जो क्लाइंट्स खुद हैं उनसे ज़्यादा मेरे पास ट्रेनर्स जो हैं वो मुझे बहुत अप्रोच करते हैं कि हमारे जैसे आज भी मुझे किसी ने ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट भेजी अपने क्लाइंट की,
कि हमने सब कुछ करके देख लिया, अब आप बताओ। तो जब कोई अटकता है तो मेरे पास आता है और मुझे बहुत बहुत वो सेटिस्फाइंग लगता है, क्योंकि मेरे पास जो आते हैं वो ऑलरेडी बहुत मोटिवेटेड होते हैं और मुझे उनको मेंटली रिकंडीशन नहीं करना, मेरा एक्चुअली काम इजी हो जाता है और मेरी रिविजन हो जाती है। तो एक तो मैं ये भी बहुत करती हूँ, बेटे को देखती हूँ, उसका उसकी जो थेरेपी है उसका उसको संभालना है, ये करती हूँ। एक मेरा छोटा सा बिजनेस भी है जैरथ वेलनेस के नाम से, तो वो भी मैं हैंडल कर रही हूँ। और फिजिकल एक्टिविटी में ब्रीदिंग एक्सरसाइज प्राणायाम पे मैं बहुत ध्यान दे रही हूँ, क्लासिकल म्यूजिक भी मैं सीखती हूँ। इतना सब करके मैम आप काफ़ी ब्यूटीफुल हैं आज मैम। एक और चीज़ जो कि अभी काफ़ी सारी कॉन्ट्रोवर्सीज चल रही हैं, और आप क्योंकि बॉडी बिल्डिंग वुमेन बॉडी बिल्डिंग से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो मैं आपके व्यूज़ जानना चाहूँगा फेमिनिज्म के ऊपर, आपके क्या व्यूज़ हैं? देखो इंडिया में इसमें कोई शक नहीं है कि वुमेन ने बहुत सफ़र किया है, और एक्चुअली जो जो कानून है वो बहुत है, दे आर वेरी मच इन फेवर ऑफ वुमेन। तो लेकिन हमारी जो सोसाइटी है उसमें अभी बहुत चेंज आने की ज़रूरत है, क्योंकि जो इवन विजिबल अब्यूज़ है वुमेन की, फिजिकल अब्यूज़ है, वो शायद स्पेशली अर्बन एरियाज़ में इतनी नहीं होती, लेकिन एक हायरार्की अभी भी है, अभी भी एक पैट्रियार्क सोसाइटी है, और जो भी वुमेन आगे आती हैं उनको बहुत सारी चीज़ों में स्ट्रगल करना पड़ता है। जो भी वुमेन जैसे कहीं बहुत सारे मैन हैं और वहाँ पे एक अकेली औरत है तो उसको कुछ समझा नहीं जाता। वुमेन स्पोर्ट्स में आप देखिए मेल जो डिवीज़न है जैसे क्रिकेट भी है, तो उन लोगों को बहुत पैसा भी मिलता है, एडुलेशन भी मिलता है, हालांकि वुमेन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, उनको कभी कभी उतनी जस्टिस नहीं मिल पाती। ऐसे ही घर में भी अगर आप एक आम हाउस होल्ड देखेंगे तो आदमी की जो पोजीशन होती है वो हमेशा हायर होती है और वुमेन अपने बहुत मन दबा के रह जाती है। लेकिन एट द सेम टाइम जो कानून बने हैं वो बहुत वुमेन के फेवर में हैं, उनको जो यूज़ करता है वो जो है वो वही यूज़ कर पाते हैं जो अर्बन एरियाज़ में है या एजुकेटेड है, और ज़्यादातर इनका मिसयूज़ होता है। जो बहुत डिज़र्विंग है वो कभी कर ही नहीं पाते, क्योंकि अगर वो जाके रिपोर्ट करेंगे उनको घर में फिर से मार पड़ेगी, तो वो तो कर नहीं पाते, उनमें इतनी हिम्मत नहीं होती, या वो बहुत लाचार होते हैं, या वो उतने उनको पता ही नहीं होता। और जो जो औरतें जो है वो इसको मिसयूज़ करती हैं, वो कई दफ़ा बेचारे बहुत इनोसेंट जो बॉयज़ होते हैं, हम देखें मेरा बेटा भी एक ही इज़ अ जेंटलमैन, 30-32 साल का लड़का है, मेरे फादर भी एक आदमी थे, हम उसके हमारे भाई हैं वो भी आदमी हैं, तो हम तो उनको बहुत प्यार करते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि सारे आदमी बहुत ख़राब हैं और औरतें सारी बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये इसको पर्सपेक्टिव में डालना बहुत ज़रूरी है कि जो मैन और वुमेन कोई भी सुपीरियर या इन्फीरियर ऐसा कुछ नहीं है, और दोनों को ही इक्वल जो है वो सपोर्ट और इमोशंस जो हैं सबके सेम होते हैं, तो उनको इक्वल रहना चाहिए। तो फेमिनिज्म इसलिए होना चाहिए कि औरतों को जस्टिस मिले, फेमिनिज्म इसलिए नहीं होना चाहिए कि हमने आदमियों को दबाना है, तो ये मेल बैशिंग ये भी बहुत गलत है। तो मुझे लगता है कि इसमें एक बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए, दैट इज़ द थिंग। जैसे आपने बताया आपकी बुक आ रही है, कुछ एक्सक्लूसिव थिंग जो आप हमारे चैनल पे कुछ बताना चाहें? मेरी बायोग्राफी लिखी है परमजीत कौर ने, उन्होंने 1.5-2 साल उसमें वो मेरे कैरेक्टर में आ गई थी, और आई एम वेरी ग्रेटफुल जितने प्यार से उन्होंने मेरी बुक लिखी है, और राइट नाउ आई एम राइटिंग द इंग्लिश ट्रांसलेशन फॉर दैट। मेरी लाइफ का एसेंस ये है कि बहुत लोगों की लाइफ में कोई एक पर्टिकुलर इंसिडेंट होता है तो बहुत हाईलाइट होता है, उससे उनकी लाइफ बदल जाती है, लेकिन शायद मेरी लाइफ ऐसी है कि कोई ऐसी औरत नहीं होगी जो उसमें उसमें से कुछ उसका रिलेशन ना हो, क्योंकि ये एक पूरी जर्नी है कि हर स्टेप पर हम लोग क्या क्या फेस करते हैं और कौन कौन सी नेगेटिव चीज़ें आती हैं जो हमें एकदम फौलाद बना देती हैं, स्ट्रॉन्ग बना देती हैं। और मेरे लिए जो उसमें हाईलाइट है वो ये है कि एक ऑटिस्टिक चाइल्ड को 25-30 साल मैंने बड़ा किया है, कि जो जिसको एक समय पे डॉक्टर्स ने बोला था कि वो बोल भी नहीं पाएगा,
और आज उसने ग्रेजुएशन करी, पोस्ट ग्रेजुएशन करी, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के 5 साल के बाद उसको बहुत एक्सटेंसिव ट्रेनिंग देने के बाद, काम कराने के बाद आज वो ऐसे स्टेट पे आया है कि आज उसकी एक्सेल टेक्नोलॉजीज के साथ सिंगापुर में जॉब लगी है एज अ बीटा टेस्टर। तो आई जस्ट फील कि मेरी लाइफ का जो मैसेज है वो ये है कि कभी भी यू शुड नेवर गिव अप होप, और हमेशा लड़ते रहना चाहिए। अगर हम अपने ऊपर फेथ रखें तो क्या से क्या हो जाता है हमें खुद भी एहसास नहीं होता। तो आई थिंक वेरी सून दिस बुक विल बी लॉन्च्ड, और जो भी हुआ है मेरी लाइफ में सिर्फ बॉडी बिल्डिंग नहीं है, सिर्फ बेटे की स्टोरी नहीं है, उसमें जो मेरे बचपन की बहुत इंटिकेट चीज़ें थी वो भी हैं। तो लुक फॉरवर्ड टू इट एंड आई होप यू विल एंजॉय रीडिंग इट। बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज होते हैं जिसमें मैं एक आउटलाइन बताती हूँ, लेकिन वो जो एक बेसिक स्टोरी है आउटलाइन की, उस पर बहुत जो छोटी छोटी बातें कहते हैं कि स्मॉल थिंग्स, देयर इज़ गॉड इन द स्मॉल थिंग्स। ये जो छोटी बातें होती हैं इसी में भगवान होता है, और यही एक इंसान को या तो मेक करती हैं या ब्रेक करती हैं। तो जो उसका प्रोसेस था और जो छोटी छोटी हंसी खुशी की फन एंड क्वालिटी की चीज़ें, और जो छोटे छोटे दुख होते हैं, जो बहुत बारीकियाँ होती हैं लाइफ की जो हमें एक्चुअली तोड़ देती हैं, और हमें एहसास तक नहीं होता कि हम क्यों नेगेटिव हैं, क्यों पॉजिटिव फेस में हैं, और कौन सी चीज़ों ने हमें स्ट्रॉन्ग किया है, और मेरी बचपन की बहुत सारी कहानियाँ, और कैसे मैंने स्ट्रगल किया, कैसे मैंने कॉन्कर किया, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि हम एक इंटरव्यू में कितना भी बता दें लेकिन 50-55 साल किसी की ज़िंदगी में बताना इतना आसान नहीं होता। वो सब कुछ इस बुक में है। मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मेरी लाइफ के ऊपर एक किताब लिखी गई जो हमेशा रहेगी। इवन जो किताब होती है वो एक लेगेसी होती है जो हम इस दुनिया में छोड़ते जाते हैं। और आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरे ऊपर वो बुक लिखी गई। थैंक यू इस चीज़ को बताने के लिए। बाकी आगे हम लोग यहाँ पे इसको रैपअप करेंगे, बट उसके पहले मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा। हम लोग सभी होते हैं, सबके अपने सपने होते हैं, सबके अपने व्यूज होते हैं, और इंटरनल थॉट काफ़ी सारे होते हैं। तो बीइंग अ पर्सन कहीं ना कहीं ये चीज़ आती है कि हाँ, कभी अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं ये चीज़ दुनिया को बताती हूँ, या मैं बताता, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो आप आज कुछ लोगों को कहना चाहें। तो बहुत हमारी लाइफ में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं और हम लोग स्ट्रगल करते हैं। मुझे लगता है कि बहुत लोग ऑन दैट मोमेंट और किसी से झगड़ा कर लेते हैं, या फाइट कर लेते हैं, या बहुत जल्दी गिव अप कर लेते हैं। अगर हम ये सोचें कि हमने बस अपना अच्छा काम करना है, उस दिशा में जाना है, और जो भी विद अ पैरेलल सेंस ऑफ सरेंडर कि आपने भगवान के आगे समर्पण भी करना है कि हम अच्छा करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। मेरी लाइफ को अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो बहुत सारी चीज़ें 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद आगे आई हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम बस करेक्ट डायरेक्शन में चलते रहें तो सूनर और लेटर अगर हमने भगवान के ऊपर छोड़ा है तो वो चीज़ जो है वो होती है, और 10 times अच्छे वे में होती है। तो जब हम कहते हैं अपना कर्म करने के बाद हम सोचते हैं कि अब ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, तो ये अब भगवान की प्रॉब्लम है, तो भगवान के ऊपर पूरी जिम्मेदारी भगवान के ऊपर आ जाती है, तो वो उसको मच बेटर वे में पूरी कर देते हैं। तो आई जस्ट फील कि एक पैरेलल सेंस ऑफ सरेंडर के साथ और एक्सेप्टेंस के साथ चलते रहना चाहिए, और जो हम चाहते हैं वो 100% होता ही होता है, और बहुत बेटर वे में होता है। थैंक यू सो मच मैम आपका टाइम देने के लिए, और वी आर रियली थैंकफुल कि आज आपके मूवीज इतने अच्छे से जानने को मिले। मेरे को आज मौका मिला कि मैं अपने एक इंस्पिरेशन से मिलने का मौका था आपके साथ, और आपके व्यूज जानने को मौका मिला। थैंक यू सो मच। थैंक यू।